हे गाइस, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटा भी दबा दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको घंटे के हिसाब से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड में आपको थोड़ी और हिस्ट्री जानने को मिलेगी। तो कुछ सालों पहले सेलेटस कसाडी एक सीरियल किलर था जो कि एडी ब्रोक के साथ राइकर के आइसलैंड में कैद था। जब वैनम सिम्बियोट ने एडी को उस जेल से छुड़ाया, तब वैनम ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया जिसने कसाडी के साथ बॉन्ड बनाया और वो कार्नेज बन गया। महीनों पहले कार्नेज ने डोवर्टन कोलोराडो के एक कस्बे के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब अवेंजर्स उसके साथ लड़ने आए, जिनके अंदर थे कैप्टन अमेरिका, होकाई, वुल्वरिन, द थिंग और स्पाइडरमैन। उनकी लड़ाई के दौरान कार्नेज ने अवेंजर्स के मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया सिवाय स्पाइडरमैन के, और तब उस कस्बे के लोगों की मदद के बदौलत स्पाइडरमैन ने अवेंजर्स को कार्नेज के कंट्रोल से छुड़ा लिया। अब कार्नेज के पास सिम्बियोट गॉड नल के ड्रैगन का सिम्बियोट आ चुका है और वो कोडेक्स कलेक्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन पांचों अवेंजर्स के अंदर एक कोडेक्स है। न्यूयॉर्क शहर में दिन का टाइम है। हमें गली के किनारे लेटा हुआ एक भिखारी दिखाया जाता है। तब सीवेज के अंदर से एक लाल सिम्बियोट बाहर आता है जो कि उस भिखारी के साथ बॉन्ड बना लेता है और उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और फिर रात हो जाती है। कार्नेज बहुत सारे लोगों को अपनी आर्मी में कन्वर्ट करता जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तब वो भिखारी खड़ा होता है और चिल्लाता है, स्टीव रॉजर्स। तभी कैप्टन अमेरिका वहाँ पे आता है और उसके मुंह पे अपनी शील्ड मारता है जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। तब गली के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग बाहर निकल कर आते हैं जिनके ऊपर कार्नेज ने कंट्रोल कर रखा है। कैप्टन अमेरिका उनमें से एक आदमी के मुंह पे जोरदार घूसा मारता है जिससे उस आदमी के चेहरे से सिम्बियोट उतर जाता है। कैप्टन अमेरिका कहता है, ये मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तब बाकी लोग कैप्टन अमेरिका के ऊपर हावी होने लगते हैं और कह रहे हैं, गॉड आ रहा है। तब स्पाइडरमैन कैप्टन की मदद के लिए वहाँ पे आता है और कहता है, लगता है तुम मेरे लाल दोस्तों से पहले ही मिल लिए होगे। कैप्टन कहता है, मुझे इस पूरी चीज में कार्नेज की बू आ रही है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि चल क्या रहा है? स्पाइडरमैन कहता है, वो हर उस आदमी के ऊपर अटैक कर रहा है जिसने पहले सिम्बियोट पहना था, जिसका मतलब है वो तुम्हारे और मेरे पीछे पड़ा है, और हर उस आदमी के पीछे पड़ा है जिसे उसने डोवर्टन में इन्फेक्ट किया था। कैप्टन पूछता है, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? तब स्पाइडरमैन कैप्टन को कोडेक्स की बात बताता है। एक आदमी कैप्टन से पूछता है, क्या चल रहा है, क्या कोई जगह सुरक्षित है? कैप्टन कहता है, 6 गली पार करके तुम्हें पुलिस मिलेगी, उनके पास खाना पानी है और वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। अब कैप्टन स्पाइडरमैन से कहता है, मैं पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ और हर गली में जाकर लोगों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम थोड़ा स्लो चल रहा है। तो बताओ सिचुएशन कितनी खराब है, उसने कितने लोगों के ऊपर कंट्रोल किया है? स्पाइडरमैन कहता है, 1000। उसके पास एक नए टाइप का सिम्बियोट आ चुका है जिससे कार्नेज को लगता है कि वो सिम्बियोट उसे एक भगवान बना देगा। उसने रेवन क्रॉफ्ट से शुरुआत की, नॉर्मन ऑसबोर्न को बाहर निकाला और उसे अपनी तरह कार्नेज बना दिया। इसके बाद वहाँ के बाकी कैदियों को बाहर निकाला और उनको अपने सिम्बियोट का कुछ हिस्सा दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि वो मासूम सिविलियंस को कन्वर्ट कर रहा है। कैप्टन कहता है, ठीक डोवर्टन की तरह कार्नेज ने उस शहर के सब लोगों को कन्वर्ट कर दिया था, और अगर वो प्रीवियस होस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो हमें सबको वार्निंग देनी होगी। स्पाइडरमैन कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। कार्नेज हफ्तों पहले डोवर्टन गया था और कार्नेज ने उस कस्बे के सब लोगों को मार दिया। कैप्टन कहता है, तो हम बाकी हीरोज के पास जाएंगे और उनको कार्नेज से बचाएंगे, साथ ही साथ सिविलियंस को भी बचाएंगे। स्पाइडरमैन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वुल्वरिन, द थिंग और होकाई से बात कर सकते हो? वैनम और मैं? कैप्टन पूछता है, तुम वैनम के साथ काम कर रहे हो? स्पाइडरमैन कहता है, वो सबसे ज्यादा कार्नेज को रोकना चाहता है और उसके पास एक मशीन भी है जो आसानी से कोडेक्स को निकाल सकती है। कैप्टन कहता है, होकाई को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन लगता है कि वुल्वरिन हमसे आगे निकल चुका है। तब हम देखते हैं कि वुल्वरिन उन लोगों के साथ लड़ने लग रहा है। उधर कैलिफोर्निया में होकाई अपने अपार्टमेंट में सोया हुआ है और उसने डेडपूल का कच्छा पहन रखा है। तब उसे दरवाजे से एक आवाज सुनाई देती है, बार्टन, जिसपे होकाई जागने लगता है। तब वो आवाज और तेज होती है, बार्टन। इसके बाद होकाई को कैप्टन का कॉल आता है और तभी कार्नेज से इन्फेक्टेड लोग होकाई के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिसपे होकाई एक एक्सप्लोजिव एरो तैयार कर लेता है। उधर कैप्टन और स्पाइडरमैन फंटास्टिक फोर के घर में पहुंच चुके हैं। द थिंग कहता है,
तो कार्नेज वापस आ चुका है, मुझे सिर्फ इतना जानने की जरूरत है, तो चलो उसको धूल में बदल दें। स्पाइडरमैन कहता है, ये सब इतना आसान नहीं है, हमें कार्नेज से जितना दूर हो सके रहना होगा। क्या तुम्हें अब भी डोवर्टन याद है? चीजें इतनी बुरी हो चुकी है। कैप्टन कहता है, हम नहीं चाहते कि कार्नेज हमारी बॉडी से कोडेक्स निकाल ले। द थिंग कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम शहर के लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? तब वुल्वरिन वहाँ पे एक बोरा रख देता है। तब उस बोरे के अंदर से एक ऐसा आदमी बाहर निकलता है जिसे कार्नेज ने इन्फेक्ट कर रखा है। वुल्वरिन कहता है, हम सब जानते हैं कि जब लोग कार्नेज से इन्फेक्ट होते हैं तो उनके दिमाग के साथ क्या होता है। ये सब लोग कार्नेज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कार्नेज इनको कुछ ऑर्डर्स दे रहा है। तब द थिंग उस आदमी को पकड़ लेता है। स्पाइडरमैन पूछता है, क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि ये लोग कार्नेज के साथ कैसे बात कर रहे हैं? द थिंग कहता है, यहाँ पे काफी सारा साइंस का कबाड़ा पड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे पास अब भी एक मशीन है जो तब से पड़ी हुई है जब से हमारी मुलाकात पहली बार कार्नेज के साथ हुई थी। अब स्पाइडरमैन साउंड वेव्स का यूज करके उस आदमी को शांत करता है और इस बात से उनको पता चलता है कि भले ही कार्नेज के ऊपर आग और आवाज का असर ना हो रहा हो, लेकिन इन लोगों के ऊपर हो रहा है। लग रहा है कि इसे बहुत ज्यादा साइकिक एनर्जी मिल रही है, ठीक डोवर्टन की तरह, लेकिन एक बहुत बड़े स्केल पे। कार्नेज इस पूरे न्यूयॉर्क शहर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब वुल्वरिन नक्शे में एक लाल चीज की तरफ इशारा करता है और इससे उनको पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी कार्नेज इसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। स्पाइडरमैन कहता है, हमें इस सिचुएशन को ध्यान से संभालना होगा और तुम बाकी लोग वैनम के पास जाओ, उसके पास एक मशीन है जो कोडेक्स निकाल सकती है। मैं यहाँ रहकर कार्नेज को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। स्पाइडरमैन कहता है, मुझे होकाई को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। कैप्टन कहता है, मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी न्यूयॉर्क को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता। स्पाइडरमैन कहता है, अगर हम एक साथ रहे तो वो आसानी से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है और मैं तुम सबसे तेज हूँ, एक बार तुम कोडेक्स से आजाद हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कैप्टन कहता है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक साथ रहेंगे, बात खत्म। स्पाइडरमैन कहता है, काश की चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती, इस शहर में 90 लाख लोग हैं। कैप्टन कहता है, तो ठीक है, हम सबको बचाएंगे। वुल्वरिन कहता है, बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी है, जाने का टाइम आ चुका है। उधर होकाई उन सारे लोगों को जला देता है। तब कैप्टन होकाई को सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहता है, क्योंकि होकाई को वहाँ पे एक तरीके का बीकन ढूंढना है। तब दो लोग आग से निकलकर बाहर आते हैं, लेकिन होकाई उनको जाल में कैद कर लेता है। तब होकाई तैयार होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और उसे रास्ते में एक कार दिखाई देती है। तब होकाई कैप्टन अमेरिका से बात करते हुए उस आदमी को एक बिजली का झटका देता है। कैप्टन कहता है, अगर हम तुमसे दोबारा बात ना कर पाए तो न्यूयॉर्क जाकर वैनम को ढूंढ लेना, वो तुम्हारे अंदर से कोडेक्स निकाल सकता है। और होकाई वो कार लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ चल पड़ता है। इधर ब्रोंक्स के अंदर कैप्टन अमेरिका और टीम गश्त लगा रही है, तभी उन लोगों के सामने कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और हीरोज लोगों को बचाने का काम चालू कर देते हैं। उनसे लड़ते हुए कैप्टन सोच रहा है, हो सकता है कि बीकन न्यूयॉर्क शहर में ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कार्नेज ये सोचे कि न्यूयॉर्क हमारे हाथ से जा चुका है। लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, हम न्यूयॉर्क के हर एक इंसान को बचाएंगे, क्योंकि हम उम्मीद हैं और कार्नेज या उसके गॉड से कहीं ज्यादा कमीने हैं। उधर होकाई कैलिफोर्निया पहुंच चुका है और उसे शहर में कोई दिखाई नहीं देता। तब होकाई अपने आप को बचाता हुआ एक ऊंची जगह पे जाता है और एक जोकर के सिर पे अपना ट्रैकर तीर लगाता है ताकि होकाई बीकन का पता कर सके। इधर हीरोज के सामने और कार्नेज से इन्फेक्टेड लोग आने लगे हैं। द थिंग कहता है, लगता है कि ये लोग सबवे से आ रहे हैं, जिसपे हीरोज उनसे लड़ते हुए सबवे के अंदर घुस जाते हैं। उधर होकाई छिप कर उस जोकर का पीछा कर रहा है जो उसे शहर से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है। देखते देखते वो जोकर एक रोबोट की तरफ जाता है और रास्ते में होकाई को कार्नेज का साइन भी दिखाई देता है। होकाई देखता है कि वो जोकर रोबोट के नीचे एक खुफिया रास्ते से जमीन के अंदर चला गया है। तब होकाई जमीन के अंदर उस रोबोट का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन होकाई उसे खो देता है। और तब होकाई को जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड शहर दिखाई देता है। होकाई सोचता है, अब मुझे उस बीकन को ढूंढकर उसे बंद करना है, लेकिन मुझे नहीं
पता कि वो बीकन कैसा दिखाई देता है। उधर न्यूयॉर्क के अंदर हीरोज भी एक इसी तरीके के बीकन का पीछा कर रहे हैं और आप लोग बीकन को एक तरीके का सिग्नल ट्रांसमीटर कह सकते हैं जिसके थ्रू कार्नेज इन इन्फेक्टेड लोगों से बात कर रहा है। द थिंग देखता है कि ये लोग अजीब तरीके से बिहेव करने लगे हैं, लेकिन कैप्टन फिर भी हीरोज को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। उधर होगाई को शहर के बीच एक पेड़ दिखाई देता है। होगाई देखता है कि इस पेड़ में कई लोग जुड़े हुए हैं। तब होगाई उस पेड़ को उड़ाने के मकसद से अपना तीर निकालता है, लेकिन मासूम चेहरों को देखकर तीर नहीं चला पाता। तब होगाई उन लोगों को आवाज लगाता है। इधर न्यूयॉर्क के अंदर अपने हीरोज भी इसी तरीके के एक पेड़ के पास पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि इस पेड़ के अंदर भी लोग जुड़े हुए हैं। वुल्वरीन कहता है, मैं स्मेल कर सकता हूँ कि जो सेंटर में आदमी है वही बीकन है। अगर हम उसको मार देंगे तो सब रुक जाएगा। और तब सब इन्फेक्टेड लोग हीरोज की तरफ आने लगते हैं और अपने हीरोज इन इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने लगते हैं। उधर होकाई भी उन लोगों की तरफ एक तीर छोड़ता है, लेकिन वो सिम्बियोट उस तीर को वापस होकाई की तरफ फेंक देता है जिससे होकाई घायल हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एक संकरे रास्ते के अंदर घुस जाता है। अब भी तीन लोग होकाई का पीछा कर रहे हैं जिसपे होकाई दो लोगों को बर्फ में जमा देता है। तब होकाई देखता है कि उसके पास सिर्फ सोनिक तीर बचे हैं, लेकिन होकाई को ध्यान आता है कि उसने पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। इधर हीरोज अब भी उन लोगों के साथ लड़ रहे हैं। तब स्पाइडरमैन उन सब लोगों को जाले में बंद करने लगता है और फिर हीरोज बीकन के पास पहुंचते हैं और इस बात के ऊपर बहस करने लगते हैं कि इस बीकन को मारना है या नहीं मारना है। वुल्वरीन कहता है, कार्नेज ने इसलिए इस आदमी का इस्तेमाल किया ताकि हम बातों में लगे रहे। कैप्टन कहता है, और दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है, हम इसको एवेंजर्स माउंटेन के अंदर लेकर जा सकते हैं। वुल्वरीन इसको मारना चाहता है, लेकिन कैप्टन इसे बचाना चाहता है और स्पाइडरमैन इसे मारकर बचाना चाहता है। वेल, बहस चलती रहती है। तब स्पाइडरमैन बीकन को उस पेड़ के अंदर से बाहर निकाल लेता है और कहता है, ठीक है, मैं इस आदमी को लेकर चलूंगा। लेकिन कैप्टन कहता है, तुम इसे कहीं नहीं लेकर जाओगे। उधर होकाई सोनिक एरोज का यूज करता है, लेकिन इससे होकाई के सुनने के डिवाइस भी खराब हो जाते हैं। अब होकाई कुछ नहीं सुन सकता। तब होकाई उस लड़की को उठाकर जाने लगता है जो अभी अभी सोनिक एरो की वजह से सिम्बियोट से अलग हुई है। तब होकाई बाकी सब लोगों के बाहर आने का रास्ता बंद करके उस लड़की को लेकर बाहर चला जाता है। इधर अपने हीरोज उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। स्पाइडरमैन डॉक्टर्स को उस आदमी का अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहता है। कैप्टन कहता है, और जो कोई भी आदमी इस तरीके से आए सबका अल्ट्रासाउंड करना। द थिंग कहता है, ये वाला बीकन तो हमने बंद कर दिया, अब आगे क्या करना है। स्पाइडरमैन कहता है, आगे हमें होकाई से बात करनी है और कार्नेज को रोकना है। अगले सीन में ये लोग वेनम के हेडक्वार्टर में पहुंच चुके हैं, यानी कि रेक्स का सेफ हाउस। स्पाइडरमैन कह रहा है, हमने दोनों बीकन को बंद कर दिया है, अब हम कार्नेज को आसानी से रोक सकते हैं। जैसे ही वेनम वापस आ जाता है, हम कार्नेज के ऊपर अटैक करेंगे और उसे हरा देंगे। उधर होकाई उस लड़की को लेकर बाहर आ चुका है जो कि सैन फ्रांसिस्को की बीकन थी, यानी कि कार्नेज उसके जरिए बाकी लोगों से बात कर रहा था। तब होकाई को कैप्टन का कॉल आता है। होकाई कहता है, वैसे मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं न्यूयॉर्क आ रहा हूँ।